महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे के बयान से एक बार फिर महाराष्ट्र में जो है लाउडस्पीकर का मुद्दा गरमाया हुआ है। आपको बता दें कि मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर को लेकर राज ठाकरे आक्रामक मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से लगातार लाउडस्पीकर के मुद्दे को लेकर मन से कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, इसी कड़ी में मुंबई के गोरेगांव में आयोजित मनसे की सभा को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने कार्यकर्ताओं से कहा था कि अगर अभी कुछ दिन में मस्जिद से लाउड स्पीकर नहीं उतारे जाते हैं तो वहां ट्रक ले जाकर हनुमान चालीसा बजाएं। जिसके बाद राज्य के कई इलाकों में मनसे कार्यकर्ता लाउड स्पीकर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर मुंबई के अंतर्गत आने वाले दहिसर पुलिस स्टेशन में मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवाने के लिए मनसे कार्यकर्ताओं ने एक लिखित शिकायत की है। साथ ही मनसे कार्यकर्ताओं ने पुलिस से न्यायालय के आदेश के अनुसार मस्जिदों पर लगे अवैध लाउडस्पीकर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। इस मौके पर दहिसर विधानसभा के मनसे अध्यक्ष राजेश एनुकर ने कहा कि पुलिस ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है, अगर मुंबई पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती है तो मनसे अपने स्टाइल में मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर को उतरवाएगी। आज आम्ही दहिसर पुलिस स्टेशन मध्ये भोंग्याचा जो आवाज ज्या अनेक मस्जिदांमध्ये थोडासा वाढलेला दिसतोय आणि त्याचं ते उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचं उल्लंघन हे जे मस्जिदची सर्व मंडळी करतात, या संदर्भामध्ये सन्माननीय राज्यसभेने परवा भाषणात सांगितलं। अजूनही काही जणांना मस्ती आहे, लोकांना त्रास देण्यासाठी म्हणून तो भोंग्याचा आवाज न्यायालयाच्या आदेशाचं उल्लंघन करून वाढवलं जातोय, त्याचं आज आम्ही पत्र देण्यासाठी आज या ठिकाणचे पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक पाटील सरांकडे आलो आणि त्यांना या बदलीबद्दल स्पष्ट सांगितलं की आपण या मोरीपाडा असेल, दुबे रोड असेल, मॉल हॉटेलकडे असेल, याच्या मस्जिद मुद्दामून अजान देताना आवाज वाढून लोकांना त्रास देत आहेत। हा त्रास ताबडतोब बंद करावा, त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी, अन्यथा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना त्यांच्या स्टाईलने आंदोलन करेल अशा पद्धतीने त्यांना आम्ही सांगण्यात आलं। पण त्यांनीसुद्धा सांगितलं की नक्कीच आम्ही याच्यावरती त्यांना बोलून घेऊन पोलिसी भाषेमध्ये त्यांना सांगण्यात येईल। जर का त्यांनी अशा पद्धतीने जर भोंग्याचा आवाज जर बंद केला नाही, वाढवायचा बंद नाही केला तर त्यांच्या आम्ही कायदेशीर कारवाई करू असं आम्हाला आश्वासन दिलं आहे। आम्ही काही दिवस याच्यावरती लक्ष ठेवून असूच आणि जर नंतर अशा पद्धतीने जर ते भोंग्याचा आवाज त्यांनी बंद नाही केला तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नक्कीच त्यांच्या विरोधात कायदेशीर कारवाई करेल। एवढं मात्र